अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, सलाम फ्रॉम मदीना पाक, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो आज सेकंड डे है मदीना पाक में, रश देख रहे हैं आप। अभी मैं जोहर की नमाज़ के लिए जा रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया, मैं दिखाता चलता हूँ साथ में रश कितने यहाँ पर। देखें सीमा आपको ईजिली यहाँ से मिल जाएगी, स्टॉल लगाए होते हैं लोगों ने ना, मक्का में भी मदीना में, यहाँ पर भी जैन की सीमा है और STC की सिम है। मैंने लिया 45 रियाल की, सो 15 GB का इंटरनेट है और आपको इजीली इंटरनेशनल कॉल भी मिल जाते हैं। तो मैंने पाकिस्तान में भी कॉल मिलाई थी तो इजीली कॉल मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखे पास आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बसेज में आते हैं, कितने ज़्यादा होटल्स वगैरह हैं यहाँ पर और हर होटल में इतने ज़्यादा लोग हैं। और अभी जोहर की अजान होने वाली है तो सब लोग माशाल्लाह जोर के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस बहुत ज़्यादा है मगर वो किसी को कुछ भी नहीं कहते, नहीं रोकते, वो खजूरों के बाहात हैं माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह एंटर हो गया हम मस्जिद नबी शरीफ में, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सलातो अस्सलाम अलैका या सैयदी रसूलल्लाह वअला आलिका वसहाबिका या सैयदी हबीबल्लाह, सलातो अस्सलाम अलैका या सैयदी रसूलल्लाह वाला अलिका वसाबी के रहमतुल्लाह। ये देखे ये पुलिस वाले खड़े हैं, इनकी वर्दी के पीछे एक आंख बनी हुई है, गौर से देखना, गौर से आप देखना इनकी यूनिफॉर्म पे और गाड़ी में एल्यूमिनाटी का साइन बना हुआ है, मतलब आंख बनी हुई है। वैसे लोगों को नज़र नहीं आएगी, आप गौर से देखें ना फिर पता चलेगा कि क्या बना हुआ है। तकरीबन ये भी सऊदी वाले अब एल्यूमिनाटी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने लग पड़े हैं, तो आप देखना इसको गूगल पे लिखना यूनिफॉर्म ऑफ सऊदी अरबिया पुलिस और गाड़ी सऊदी अरबिया पुलिस, आपको इजीली पता चल जाएगा। आप देखेंगे माशाल्लाह, देखें मस्जिद नबी शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लोग बहुत ज़्यादा हैं आज। ये जन्नतुल बकी है, सुबह गया था मैं बट उन्होंने मुझे उस साइड पे जा, उस साइड बनी गया मैं राइट साइड भी इधर गया था बट मैंने उस साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे कल इंशाल्लाह सुबह जहाँ पे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र मुबारक है, इंशाल्लाह मैं कल सुबह फजर के टाइम जाऊँगा। नहीं वो जोहर के टाइम खोलते मेरे ख्याल से, हर नमाज के बाद खोलते, मैं पूछ रहा हूँ फिर भी आपको बताता हूँ। मैंने पूछा नहीं है, मैं किसी से पूछ के ना आपको अपडेट करता हूँ कि हर नमाज के बाद वो खोलते हैं कब्रिस्तान। मेरे ख्याल से हर नमाज के बाद ना नमाज जनाजा होता है तो इसलिए उसको ओपन करने के लिए शायद वो खोलते हैं, पर हाजियों का पता नहीं, मैं पूछता हूँ। हाँ भी जोहर के बाद ओपन होगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगा। यहाँ पर पानी है, जमजम नहीं है, जमजम आपको अंदर मिलेगा। तो अभी मैंने पैनाडोल खानी है, मैं खा लूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं पैनाडोल खाऊँगा। दो सुबहान अल्लाह सब अल्लाह, आप ही दुरूद सलाम पढ़ लें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से कोली कर लिया, वज़ू किया हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ बैठूँगा जाके। वो सामने रोड है जो ऊपर जा रहा था छोटा सा जनरल बकी गेट नंबर 360 के बिल्कुल सामने है, 359 देखिए 359 के बिल्कुल सामने, यहाँ पर ऊपर जा रहा है रोड सामने, अभी वो खोलेंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पे जगह ढूंढ के बैठ जाता हूँ तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ के फिर हम इंशाल्लाह अज़ा वज़ल जाएंगे और आपको ज़ियारत करवाएंगे। तो अभी जोहर की अज़ान हुई है, मेरी नमाज जनाजा हो रहा है तो इंशाल्लाह आज आपको मैं जन्नतुल बकी की ज़ियारत करवाता हूँ। तो मैं वेट करता हूँ अज़ान नमाज के बाद, इंशाल्लाह दरवाज़ा खोलेंगे जाने के लिए तो इंशाल्लाह फिर जन्नतुल बकी में जाएंगे, सलाम पेश करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, गेट नंबर 60 और 59 है यहाँ पर ना, जैसे आप इजीली जा सकते हैं, वो सामने गेट है, अभी खोलेंगे। अभी नमाज जनाजा हो रहा है, आप दफ्तर सब हुकूमत के दीदार कर लें माशाल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद रमज़ान का महीना आने वाला है, अभी 2 दिन नहीं है, कल नहीं परसों पहला रोज़ा पीर को, तो अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं हम कितना ज़्यादा रश है। चले वेट करते हैं, जैसे वो दरवाज़ा खोलेंगे इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह। गेट नंबर 59 से मैं इस साइड पे खड़ा था, वेट कर रहा था इधर से ना, सुबह इधर से गया था तो अब उन्होंने दूसरा वो वाला
गेट खोला तो उधर से जाना है वो सामने ये वाला, तो अब उधर से जाता हूँ मैं इंशाल्लाह, मैं फिर आपको जाती हूँ बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ चुका हूँ ये गेट 62 से, सामने इस टाइम खुलेगा हर नमाज के बाद गेट 62 से खुलता है, तो इधर जाएंगे अंदर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह सबसे गुमर सुभान अल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद वाला। ये गेट खुल गया तो मैं सुबह राइट साइड पर गया था, मैं लेफ्ट साइड पर जाने की कोशिश करता हूँ। ये गेट आ गया है सुभान अल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह माशाल्लाह। यहाँ से एंटर होते साथ ही ये यहाँ पे काला गेट है, यहाँ पे पंचतन बाग की मेरी फातिमा गुजारा की कब्र हमारी के इमाम हसन बाग की और उनके चाचाजाद जो हैं, दो कब्रें तो मुझे याद है इमाम हसन की मेरी फातिमा गुजारा सलाम अलैहा की। ये काला गेट वो सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे सारा सहाबा कराम की कब्रें हमारी के सारी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो जंगला यहाँ से बंद किया हुआ है वहाँ पर बीबी फातिमा ज़ारा सलाम अलैहा की कब्र मुबारक है, इमाम सज्जाद की भी आई थिंक और इमाम हसन बाग की भी है कब्र मुबारक, वहाँ पर बंद है आम बंदे का जाना कोई नहीं जाता। यहाँ पीछे सबसे गुंबद यहाँ से वो शख्स चला गया अंदर, उसको मना कर दी हुई देखो ना, अभी अलाउ नहीं है जाना ना वहाँ पर, अलाउ नहीं है जाना वहाँ पर। शहर से आप जंगले तक जा सकते हो, जंगले तक जा सकते हो मगर जंगला क्रॉस करके नहीं जा सकते क्योंकि ये शख्स गया था तो उन्होंने उसको वहाँ से मना कर दिया, पुलिस वाले यहाँ पर खड़े होते हैं बहुत ज़्यादा। ये कितना बड़ा कब्र साले माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सलातो वस्सलाम रसूलुल्लाह वाला अली का सहाबी के सैयदी सैयद हबीबल्लाह अस्सलाम अलैकुम या हिर कबूर। तो यहाँ से एग्जिट होगा, मैं बताता हूँ कि वहाँ पर मैं गया हूँ अंदर ना ज़्यारत के लिए, तो जो बताया मैंने एरिया वहाँ पर तो जाने नहीं देते कि वहाँ अहले बैत की कब्रें मुबारक है वहाँ जाने नहीं देते, अलाउ नहीं किसी को। तो अभी मैं वीडियो बना रहा था तो पुलिस वाला कहता इधर आओ इधर आओ इधर आओ मोबाइल दो मोबाइल दो, मैंने कहा नहीं जा रहा हूँ जा रहा हूँ, कहता हराम हराम पिक्चर वीडियो हराम है। तो ये तो कुछ हाल है यहाँ पर कि ना वीडियो बनाने देते हैं ना पिक्चर लेने देते हैं। कब्रस्तान है जहाँ पर हर एक का तो नहीं आने का दिल करता, हर एक की ख्वाहिश तो है कि यहाँ पर हम आए, किस्मत वाले आते हैं यहाँ पर जो दफन होते हैं यहाँ पर, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक पास है यहाँ पर और ये मदीना पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको यहाँ की हाजिर नसीब अता फरमाते हैं, वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो ये सारा मदीना पाक है आप देख रहे हैं, जो सारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं और यहाँ पर पीछे कब्रिस्तान है सारा बहुत बड़ा। और यहाँ देख रहे हैं अभी ज़ोर की अजान हुई है तो सारे लोग जा रहे हैं वापस, सारे लोग बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं और जो हम भी इधर से चलते हैं साइड में। माशाल्लाह कितना बड़ा कब्रिस्तान है पीछे, कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, अभी बहुत सारा लोग जा रहे हैं ना यहाँ से। देखिए यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं खाने पीने की भी, आपका रेस्टोरेंट वगैरह भी हो जाएगा सेम ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगी, जैन की STC की आराम से सिम भी मिल जाएगी आपको। तो इंशाल्लाह तो सारा मंजर है यहाँ का मदीना पाक का, सारे लोग जा रहे हैं देख रहे हैं बिल्डिंग्स वगैरह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो चलें इंशाल्लाह फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।